जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी हसीब खान जनता से कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसंपर्क। उतरौला की जनता का मिल रहा है भरपूर समर्थन। जनता की समस्याओं को सुनकर कर रहे हैं मदद। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव के अब गिनती के दिन बचे हैं। सभी पार्टी अपने अपने प्रचार में लगी है। वहीं बलरामपुर के उतरौला विधानसभा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी हसीब खान उतरौला की जनता से लगातार जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वो जनता से किए वादे को पूरा करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप वोट उसी को दीजिए जो विकास करे, अच्छी शिक्षा, अस्पताल और यातायात के लिए अच्छी सड़कें व खेल के लिए ग्राउंड या स्टेडियम बनाए, जिससे उतरौला में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप ही का बेटा हूँ, आप ही के बीच में पैदा हुआ, मुजाना में उतरौला तहसील के, यहीं पे खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। आप ही का बेटा हूँ, आप ही का भाई हूँ और यहीं खेल कूद के बड़ा हुआ, अपने अपने कारोबार में लग गया और अपने अपने कारोबार में लग के खुश था। लेकिन जब कोरोना काल आया तब मैंने देखा, मैं लखनऊ में था, कब्रिस्तान में लाश रखने की जगह नहीं थी, भीड़ लगी हुई थी, जेसीबी से खुदाई हो रही थी और हमारे उतरौला विधानसभा के लोग, कितने ऐसे लोग जो आए मेरे पास कि मेरे बच्चे का एडमिट करा दो कहीं, कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा था क्योंकि डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, अस्पतालों में ओपीडी ऑनलाइन चल रहा था, बच्चे को अपने नहीं दिखा पा रहे थे, अपनी गोद में लेके बच्चों को घूम रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे। मैंने देखा वो दर्द, अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कैसे लोगों ने अपने बच्चे के इलाज के लिए भटकते रहे और बिना इलाज के बच्चा मर गया, गोद में मर गया बच्चा। पूछिए उस आदमी से, पूछिए उस बाप से कि क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। आज उतरौला विधानसभा में हम वोट करते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन हमारे लिए इलाज के लिए कुछ नहीं है। क्यों ऐसा, आपने कभी सोचा? ऊपर वाला ना करे, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, आपके बेटे के साथ ऐसा हो, आपके बेटी के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? किसी के भी साथ हो सकता है। यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल तक नहीं है। हम लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, इस टाइप के उसमें वोट करते हैं। आज तक हमने कभी वोट इस बात पर किया ही नहीं कि हमें अच्छा अस्पताल दो, हम यहाँ से लखनऊ नहीं जाएंगे इलाज कराने, हम वोट यहाँ करते हैं, हम इलाज हमको यहाँ चाहिए, हम डायलिसिस कराने लखनऊ नहीं जाएंगे। हम अपने माँ को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को अस्पताल में गाड़ी में टांग टांग के 5,000-6,000 खर्चा करके लखनऊ का आदत हमने बना लिया है। लखनऊ लेके चले जाएंगे, गोंडा लेके चले जाएंगे, जिसके रिश्तेदार मुंबई में होंगे मुंबई लेके चले जाएंगे, इलाज करा लेंगे। क्यों, क्या हमारा कसूर है? हम उतरौला में पैदा हुए, यही हमारा कसूर है क्या? यह हिंदुस्तान से अलग है? लेकिन हम लोग जब चुनाव आता है तो सिर्फ धर्म की राजनीति पे बिछड़ जाते हैं और रोटी सेकने वाले राजनेता उसी में अपनी बाजी मार ले जाते हैं। जिस दिन आपने ये पूछना शुरू कर दिया कि अस्पताल दिया कि नहीं दिया, आपसे या तो अस्पताल बनवा के कोई वोट मांगने आएगा या फिर वो आपके सामने से भाग जाएगा। जब आप पूछना शुरू कर देंगे कि मेरा बच्चा इलाहाबाद और बनारस क्यों जाए पढ़ने, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो या तो वो स्कूल बनवा के आपसे वोट मांगने आएगा या फिर वो यहाँ से भाग जाएगा। और आप जब लाठी लेके खड़े हो जाइए, जो वादे पे ना खरा उतरे वो मैं ही क्यों ना हूं, आज अगर वादा कर रहा हूं और आप मौका देते हैं
और दोबारा आपके सामने वो सारी चीजें उपलब्ध ना हो जाए तो मुझे भी लाठी लेके भगाना शुरू कर दीजिए। हसीब खान उतरौला की जनता के बीच काफी समय से जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कई गांव जाकर उनकी समस्याएं देखी और सुनी, यथासंभव मदद भी की। उनका कहना है कि 2022 में सरकार बनने पर हर वो वादा पूरा करूंगा जो उतरौला की जनता से किया है।